Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education through Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asif Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 12. The title of unit 12 is Quadrilaterals. Quadrilaterals में आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो quadrilaterals से ही शुरू हो रहा है. तो इसमें देखें quadrilaterals होते क्या हैं. वो कह रहे हैं quadrilaterals आर फोर साइडेड पॉलीगॉन्स. ये चार साइड वाले पॉलीगॉन्स होते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ quadrilaterals इंक्लूड स्केयर्स एंड रेक्टेंगल्स. कहते हैं उसमें जो एक स्पेशल टाइप quadrilaterals की उसमें कौन कौन से आते हैं, स्केयर आते हैं और रेक्टेंगल्स आते हैं. तो देखें वो ये एग्जाम्पल दे रहा है कि quadrilaterals की एग्जाम्पल्स ये दे रहा है. ये देखें इसकी चार साइड है 1, 2, 3, 4. इसकी भी 1, 2, 3, 4. इसकी भी चार साइड है और इसकी भी चार साइडेड है 1, 2, 3, 4. और ये देखें इसमें देखें कोई थ्री साइडेड है और किसी की थ्री से ज्यादा साइडें हैं. तो ये नॉन क्वाड्रेटल्स की भी एग्जाम्पल साथ शो की हुई है. वो कह रहे हैं क्वाड्रेटल्स आर नेम्ड बाय लिस्टिंग देयर वर्टिसेस इन ऑर्डर. कहता है जो क्वाड्रेटल्स होते हैं इनको नेम दिया जाता है लिस्टिंग देयर वर्टिसेस इन ऑर्डर. वर्टिसेस इनको ऑर्डर में लिखने के बाद देयर आर मेनी नेम्स ऑफ क्वाड्रेटल्स. कहता है क्वाड्रेटल्स के काफी नाम हैं. सम एग्जाम्पल्स आर क्वाड्रेटल ए बी सी डी. ठीक है वो कह रहे हैं कुछ ए बी सी डी वाली जो फिगर है उसमें आपको दिखाई हुई है और क्वाड्रिलेटर्स बी सी डी ए भी एक क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर डी सी बी ए आप इसको भी इस तरीके से कह सकते हैं. तो ये तीनों सेम ही क्वाड्रिलेटर कहलाती हैं. द डायग्राम बिलो शो हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर रिलेटेड. कहते हैं नीचे डायग्राम शो करें कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर्स आपस में रिलेट होती हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स. कहता हम इसको क्लासिफाई करते हैं किस बुनियाद पे, इनकी साइड्स और इनके एंगल्स की बुनियाद पे. पैरेललोग्राम सबसे पहले रहा है. पैरेललोग्राम ये देखिए पैरेललोग्राम की शेप उसने इस तरीके से दी हुई है. वो कह रहा है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल होती है विद टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स. कहता है इसके दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के. एक ये पेयर है और एक ये पेयर है. ये दोनों लाइंस क्यों होती हैं पैरेलल. ये इस तरीके से भी पैरेलल चल रही होती है और इस तरीके से भी पैरेलल चल रही होती हैं. ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसमें ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ द सेम लेंथ. कहता है जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो उनकी लेंथ हमेशा सेम होगी. द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. वो कहता है अगर इसका हम क्या करें, हम इसका बाइसेक्टर ड्रा करें, ये इधर से इधर आ जाएगा और इधर से इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा. द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. द ऑपोजिट एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर. जो ऑपोजिट एंगल है वो उनका मेजरमेंट इक्वल ही होगा. द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो वो कह रहा है जो दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर आप एड अप करेंगे तो आपका हमेशा आंसर 180 डिग्री ही आएगा. इधर देखें पैरेललोग्राम एक शो की हुई है तो इसमें कह रहा है जो बी सी है और ए डी है ये पैरेलल हैं और जो बी ए है और सी डी है ये आपस में ये दोनों पैरेलल हैं. रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद फोर राइट एंगल्स. कहते हैं इसमें चार राइट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ हमेशा आपस में बराबर होगी. द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चल देंगी. All the interior angles of the rectangle are 90 degree. कहता है जो तमाम जो interior angle है वो कितने होंगे, 90 degree होंगे. The diagonal of rectangle are equal and bisect each other. कहता है इसका जो diagonal होगा वो आपस में length में तो equal होगा और आपस में एक दूसरे को bisect भी कर रहा होगा. Figure में दिखाया गया कि QR जो length है वो parallel है TS के और जो QT length है वो parallel है RS के. Rhombus पर discuss करते हैं. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद फोर कॉन्ग्रुएंट साइड्स. कहता है इसकी चार कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं रोम्बस के भी. ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम लेंथ. इनकी लेंथ क्या है चारों की, सेम ही होंगी. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही होती हैं. द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर. तो उनके एंगल भी क्या होंगे, एक जितने ही होंगे. जो ऊपर वाले का वही उसके सामने वाले का भी एंगल वही होगा. द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द 180 डिग्री. कोई से दो एडजेसेंट एंगल्स नहीं उनको आपस में एडअप करें, उनका हमेशा आंसर 180 डिग्री ही आएगा. द डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट विद ईच अदर. कहता है अगर परपेंडिकुलर आप इनसे ड्रा करें, यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, तो कहता है परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट ये करेगा, काटेगा. द डायगोनल बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल ऑफ रोम्बस. तो वो कह रहे हैं जो डायगोनल जो है
वो इंटरनल एंगल्स को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। स्केयर को देखते हैं, स्केयर में हमें वो कह रहे हैं स्केयर इज अ पैरेललोग्राम, एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है विद फोर राइट एंगल्स एंड फोर कंग्रेंट साइड्स। कहता है चार्स की कंग्रेंट साइड्स होती हैं और चार्स के एंगल्स होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द स्केयर आर इक्वल मेजर, तमाम जो उसके जो साइड्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जिनके इंटीरियर एंगल होंगे वो सारे 90 डिग्री के होंगे और जो इनका डायगनल है वो क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे और ये जो होंगे डायगनल होंगे वो स्केयर के वो क्या होंगे इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के और आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगे। यहाँ देखें हमने लिखा था कि एम एन इज परपेंडिकुलर टू पी ओ, ये दोनों लाइन थे पैरेलल लाइन और एम पी और एन ओ ये भी दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ट्रेपीजियम को डिस्कस करते हैं, अ ट्रेपीजियर इज अ क्वाड्रेटल, ठीक है ये एक ऐसी क्वाड्रेटल है विद वन पेयर ऑफ पैरेलल, जिसमें एक पैरेलल का पेयर होता है साइड पैरेलल साइड्स का। द ट्रेपीजियम हैज टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। कहता है ये जो साइड है ये पैरेलल होती हैं डब्ल्यू एक्स एंड जी वाई, ये पैरेलल हैं और ये जो दो हैं ये नॉन पैरेलल हैं, ये मतलब आपस में आगे जाकर इंटरसेक्ट कर देंगी। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 डिग्री, और कह रहे हैं कि जो सम ऑफ पेयर एडजेसेंट एंगल्स का दो का वो कितना होगा 180 डिग्री। द डायगोनल ऑफ रेगुलर ट्रेपीजियम बाइसेक्ट ईच अदर, कहता है डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। द रेशियो ऑफ बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल इज द सेम फॉर द बोथ डायगोनल, कहता है बोथ डायगोनल के लिए रेशियो सेम ही होगी। द लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट सेगमेंट इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ द पैरेलल बेस, वो कह रहा है कि जो ये देखे मिड सेगमेंट होगा वो हाफ क्या होगा इसका पैरेलल बेस का होगा इन अ ट्रेपीजियम। देखे 1/2 इज इक्वल टू ये देखें डब्ल्यू एक्स प्लस जी वाई। द सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम फॉर्म्ड, वो कहते जो सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल तब बनेंगे आर फॉर्म्ड बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के दरमियान ये बनेंगे एंड वन ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स और एक नॉन पैरेलल साइड वाली साइड भी बनेंगे और इन दोनों का सम ऑफ क्या होगा 180 डिग्री। काइट, अ काइट इज अ क्वाड्रेटल, काइट एक ऐसी क्वाड्रेटल है विद टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं आर कंग्रेंट, जो कि कंग्रेंट होती हैं। द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल आर ईच लेस देन 180 डिग्री, कहते हैं इनका जो मेजरमेंट होगी वो 180 से कम होगी। द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर ऑफ द सेम लेंथ, कहते हैं ये एडजेसेंट जो एंगल्स हैं वो सेम लेंथ के होंगे। द लार्जर डायगनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट विद अ स्मॉल डायगनल, बड़े वाला स्मॉल वाले से बाइसेक्ट करेगा। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर ऑफ द सेम मेजर, कहता है सिर्फ एक पेयर के जो ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे। इसमें भी देखें क्यू आर इज पैरेलल टू एस आर एंड एस क्यू टी इज पैरेलल टू एस टी। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।